Hello children, myself Prafulla Patel from Ashwamedh Vidyalaya. Today my subject is Maths. Today we will do assignment paper. So first of all, आपको यहाँ अपना name अपने मम्मी पापा से लिखवाना है. First question, write the numbers 1 to 10. यहाँ ये box दिए गए हैं. उसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 और 10 नंबर्स लिखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द सेम नंबर्स. फर्स्ट लाइन में जो नंबर दिए गए हैं, वही नंबर सेकंड लाइन में भी है, बट उसकी पोजीशन सेम नहीं है. तो आपको जो फर्स्ट लाइन में जो नंबर दिए गए हैं, वही नंबर सेकंड लाइन में फाइंड आउट करना है और उसको मैच करना है. फॉर एग्जाम्पल, 3 को जैसे 3 के साथ मैच किया है, वैसे ही आपको 5 के 5 के साथ करना है, 7 को 7 के साथ करना है, 8 को 8 के साथ करना है, 9 को 9 के साथ करना है. टर्न द पेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द नंबर विद द शेप. फर्स्ट लाइन में आपको नंबर्स दिए गए हैं और सेकंड लाइन में शेप्स है. तो फर्स्ट लाइन में जो नंबर है, वो ही सेकंड लाइन में आपको शेप्स फाइंड आउट करना है और उसको मैच करना है. 5 फॉर एग्जांपल, 5 नंबर है तो आपको 5 शेप्स के साथ मैच करना है. 4 नंबर है तो आपको 4 शेप्स के साथ मैच करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मिसिंग नंबर. यहाँ आपको नंबर्स दिए गए हैं, बट सम नंबर्स आर मिसिंग. तो जो मिसिंग नंबर है वो आपको यहाँ लिखना है. यह 1 है, लेकिन 1 के बाद जो नंबर आता है वो मिसिंग है. तो आपको वो नंबर लिखना है. 1 के बाद कौन सा नंबर आता है? यस, 2. तो आपको यहाँ ऐसे 2 लिखना है. फिर 3, और जो यहाँ मिसिंग नंबर है वो आपको लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट एंड राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स. सी चिल्ड्रन, what are these? These are chocolates. These are chocolates. How many chocolates? Let's count chocolates. 1, 2, 3. How many chocolates? 3. So children, write number 3 in the box. ऐसे ही आपको ये पिक्चर्स दिए गए हैं, वो काउंट करना है और यहाँ राइट नंबर लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आफ्टर नंबर्स. आफ्टर नंबर मीन्स नेक्स्ट नंबर. आफ्टर नंबर्स मीन्स नेक्स्ट नंबर. व्हाट कम्स आफ्टर नंबर 6? 6 के बाद कौन सा नंबर आएगा? यस, 7. तो आपको यहाँ 7 लिखना है. 4 के बाद जो नंबर आता है वो आपको लिखना है. 4 के बाद कौन सा नंबर आएगा? नेक्स्ट नंबर 5. तो यहाँ आपको 5 लिखना है. व्हाट्स कम आफ्टर नंबर 9? 9 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 10. तो आपको यहाँ 10 लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट एंड सर्कल द करेक्ट नंबर. सी चिल्ड्रन, व्हाट आर दिस? दिस आर आइसक्रीम. दिस आर आइसक्रीम्स. How many ice creams? Let's count ice cream. 1, 2, 3. How many ice creams? 3. So where is number 3? ये number 3 है? No. ये number 3 है? Yes. This is number 3. So we will circle number 3. वैसे ही आपको यहाँ फ्लावर्स दिए गए हैं, तो आपको फ्लावर्स काउंट करना है और राइट नंबर पे सर्कल बनाना है. एप्पल है तो एप्पल काउंट करना है और राइट नंबर पे सर्कल बनाना है. सो चिल्ड्रन, आपको जैसे टीचर ने बताया है वैसे ही आपको असाइनमेंट पेपर में अच्छे से लिखना है. थैंक यू.